शाहीन पेश हैं आज की खबरें। मॉनसून इस बार जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में तय वक्त से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून 27 जून के आसपास दाखिल होता है, लेकिन इस बार इसके 13 से 14 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। अगले कुछ दिनों में मॉनसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। वहीं 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत में, खासकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मॉनसून की एंट्री होगी, जिसके बाद भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 11 जून को बंगाल और बिहार, 11 से 12 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस से सियासी पारी का आगाज कर राजनीति में पहचान बनाने वाले युवा चेहरे तितर बितर होने लगे हैं। कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य नहीं दिखा तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि 1.25 साल के बाद भी सिंधिया पहले की तरह सियासी मुकाम हासिल नहीं कर सके, जिसके लिए वो बेचैन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस में बिखरते युवा नेतृत्व के बीच सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में रहते हुए अपने हक की लड़ाई बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में सियासत के ये चार युवा चेहरे इन दिनों चर्चे के केंद्र में बने हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रियंका गांधी के सियासत में आने के बाद हालात बदलने की उम्मीद में 2 साल ठहर गए। पर आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य की खातिर विचारधारा के सियासी आवरण को उतार फेंक जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि जितिन के आने के प्रदेश से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर एक युवक का व्यापारियों से ठगी करने का एक वीडियो सामने आया है। वही एक युवक दादा वर्दी का रौब झाड़ते हुए व्यापारियों से धन वसूली का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद जांच पड़ताल कर युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बारे में थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में है और नाम बताने पर ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अतिक्रमण हटवाने के नाम पर चौकी इंचार्ज और ईओ अवनान की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां गरीबों की सब्जी की टोकरी को जबरन कूड़ा गाड़ी में फेंकवाया वीडियो सामने आया है और सड़क किनारे सब्जी बेच रहे गरीब युवक पर कहर ढाया जा रहा। इस घटना से व्यापारियों में चौकी इंचार्ज और नगर पंचायत अधिकारी की बर्बरता के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं इस घटना में एडिशनल एसपी बस्ती, एसडीएम और सीओ हराया का कहना है कि विशेष टीम बनाकर जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान, क्या समस्याएं हुई थी कल? कल हुई समस्या, सामान सब उलट पलट दिए है। कौन सा वो लोग? सांस फुल्ला नहीं कर पाए। अच्छा, बहुत बीमार हूँ आज 3-4 साल से, दवाई चल रहा पैसा नहीं है। अच्छा, हम बहुत परेशान हूँ। अच्छा, हम कर्जा बहुत दवाई दरबंदे टूट चुका हूँ। अच्छा, तो कल आपकी दुकान पे आए हैं अधिकारी? आज अपन सब चिर के बाहर दिए हैं। बाहर दिए हैं। और सामान वामान? सामान वामान नहीं बनाए, सर उल्टी दिए। अच्छा, कौन कौन लोग थे? ये जो है नगर पंचायत, नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन भी साथ में थी। क्या नाम है आपका? संजय कौशल। कल बहुनान नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण के संबंध में बाजार में घूम रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? आए थे, उसके बाद में दुकान हटवाए हैं, उसके बाद चालान काट रहे थे। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कह रहे हैं कि नाली के बाहर दुकान मत लगाइए और पैसा मांग रहे हैं चालान के लिए। चालान के लिए गाड़ी गुप्ता तो नहीं दिए? गाड़ी नहीं दिए, लेकिन लाठी उठाए थे मारने के लिए। मारने के लिए हटाओ नहीं तो मारेंगे, या सामान ला चाली में ला ले जाएंगे। अच्छा, पन्नी भी नोच लीजिए, पन्नी जो तना हुआ पन्नी भी कह रहे हैं निकाल लीजिए। और कह रहे हैं कि यहाँ के जो है चौकी इंचार्ज ईओ साहब कह रहे हैं कि दुकान ठेले पर लगाकर हाईवे चौराहा पे बेचिए। अच्छा, बाजार में मत बेचिए। अच्छा,
मतलब गली गली घूमी है, गली गली घूमी और इतना गर्मी, अगर कोई परेशान हो जाए किसका कौन जिम्मेदार होगा। कल दिनांक 8 जून को समय शाम को 5:30 बजे नगर पंचायत बबनान के अरसासी अधिकारी द्वारा वहां की सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी। वहां के चौकी इंचार्ज और अरसासी अधिकारी के द्वारा सब्जी मंडी में सड़कों पर ठेला लगा लेने की वजह से जो अतिक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से रास्ता पूर्ण रूपेण जाम हो गया था, उन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी विस्तृत जांच करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं SDM हरैया और CO हरैया को मौके पर भेजा गया है, जिनके द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट देने पर जो यदि इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या? उत्तर प्रदेश के भदोही में ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीदारी में हुई गड़बड़ी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कहा है कि 5 गुना अधिक दाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिलेंडर को खरीदकर जो घोटाला किया गया उस पैसे से मरीजों की जान बचाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप लगाया था। आज का ये क्या मामला है पूरा? नमस्कार, मैं अभिनव राय, आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश शहर प्रभारी हूँ। और जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि यहाँ पर सिलेंडर में घोटाले का काम जो हुआ है वो भदोही जनपद के अंदर में 13,000 का सिलेंडर 54,000 रुपये में खरीदा गया, जिसके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई की। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इसमें इस मुद्दे को उठाया और आगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस पर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेते हुए एक क्लर्क को यहाँ पे सस्पेंड किया है। आप सभी के को जानकारी होगी। तो हमारी मांग ये है कि इसमें पूरी तरीके से CMO यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लक्ष्मी सिंह जी इसमें लिप्त हैं और ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला उनके नाकों के नीचे हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि प्रमुख विशेष सचिव के कहने पे हमने 13,000 का सिलेंडर 54,000 में खरीदा है, तमाम अगर सिलेंडर के खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है तो बहुत सारे आगे भ्रष्टाचार हुआ होंगे। तो उसमें जयशंकर जी हमारे RTI सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने RTI के माध्यम से और तमाम और भी माध्यम से उसको निकाला था, उस मैटर को उजागर किया था। तो ये एक शिकायतकर्ता के रूप में अभी आज फिर से इसमें क्लर्क को जो हटाया गया है इस प्रकरण में, हमारी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे CMO को सस्पेंड किया जाए और एक जांच समिति बना करके कोर्ट के माध्यम से इस पूरे मसले में जांच कराई जाए। आज ज्ञानपुर कोतवाली में पत्र ने क्या कहना चाहते हैं इसकी, तो डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी को देना चाहिए आप लोगों को, यहाँ क्या आप लोग आए? ठीक है, इसमें जो हमारे वकील साहब हैं, देश के महासचिव हैं लीगल सेल के, आपने बताया कि जो कार्रवाई होती है, जो संवैधानिक कार्रवाई है, जो लीगल जो तरीका है वो यही है कि हम स्थानीय थाने में उसको तहरीर को देते हैं, उसके बाद अगर नहीं सुनी जाए तब हम आगे SP या कोर्ट के माध्यम से इसको करते हैं। तो आप लोग SP ऑफिस में गए थे, वहाँ क्या लोग आपको मिला? SP ऑफिस नहीं गए थे हम लोग, आपके जिलाध्यक्ष गए थे वहाँ? हाँ, वो कुछ कार्यकर्ता पहुँचे थे वहाँ पे। तो वहाँ कुछ आपको दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, SP से हम लोग नहीं मिले, हमें तहरीर देनी थी, हमें एक संवैधानिक देश का जो संविधान है उसको मानने वाले लोग हैं, वो संवैधानिक तरीके से हो रहे हैं और संविधान यही कहता है कि हम जो भी तहरीर है वो प्राथमिक तहरीर जो है वो यहाँ स्थानीय थाने पे इसको दिया जाए। आज का ये उत्तराखंड के खटीमा मेला घाट में न्यूज कवर करने के दौरान IBN भारत पोर्टल के पत्रकार सुनील सैनी के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी दी गई और न्यूज कवर करने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर सुनील सैनी द्वारा झान इकाइया थाने में नामजद तहरीर दी गई तथा आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। तहरीर के मुताबिक गलत और अवैध कार्यों में लिप्त सतीश द्वारा मेला घाट बाजार में न्यूज कवर में बाधा डालने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि महामारी के चलते प्रदेश में तालाबंदी और कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, फिर भी सीमा पार से अवैध गतिविधियों रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मीडिया कर्मी द्वारा सच दिखाए जाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उत्तराखंड के खटीमा में उधम सिंह से लगी
इंडो नेपाल बॉर्डर पर पिलर संख्या 789 के मध्य नंबर मैस लैंड पर नेपाली नागरिकों द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। अतिक्रमण की सूचना मिलते ही एसएसबी के जवानों ने नेपाली अतिक्रमणकारियों के मंसूबों को विफल कर दिया है। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने साथ भी नेपाली नागरिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। फिलहाल नेपाल एपीएफ और एसएसबी के मध्य वार्ता के बाद मामले को सुलझा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बहराइच से जमुनहा जा रही एक प्राइवेट यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में एक महिला मायावती की मृत्यु हो गई और दो महिलाएं घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस द्वारा इलाज हेतु सीएचसी महिलपुर में भर्ती कराया और पुलिस द्वारा इस मामले की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई यहाँ पे? बहराइच से बस आ रही थी, बरुहा और कोठी के बीच में जो है, कोठी गांव पड़ता है, उसके बीच में जो है बस स्टीयरिंग फेल हो गई, एक महिला की घटना हो गई, एक महिला चोट खा गई। आज बहराइच से जमुनहा थाना क्षेत्र मलिकपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस दरुहा गांव के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें दो महिलाएं घायल हो गई थी तथा एक की मौके पर मृत्यु हो गई है। जो घायल महिलाएं थी उनको तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा सीएससी मलिपुर उनका इलाज कराया जा रहा है और जो मृतका है उसके संबंध में आवश्यक विधि का। क्या घटना हुई यहाँ पे? बहराइच से बस आ रही थी, बरुहा और कोठी के बीच में जो है, कोठी गांव पड़ता है, उसके बीच में जो है बस स्टीयरिंग फेल हो गई, एक महिला की घटना हो गई, एक महिला चोट खा गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन काल की मूर्ति जमीन से मिली है। वहीं यह मूर्ति प्राचीन सभ्यता से जुड़ी बताई जा रही है। महसी के तहसीलदार राजेश कुमार ने बताया कि कुछ मजदूर ऊंचे टीले की खुदाई कर रहे थे, इसी बीच मिट्टी के नीचे से एक बेशकीमती पत्थर की कलाकृति मूर्ति बरामद हुई है। मूर्ति की असली पहचान के लिए पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल मूर्ति को तहसील में रखवा दिया गया है। जमीन से मिली मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे देखने के लिए आसपास के तमाम लोग पहुंचने लगे हैं। आज सुबह मिट्टी की खुदाई के दौरान बड़कन्ने साबिर के खेत में एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, काफी भीड़ लग गई थी यहाँ। और क्या है पूरा मामला बताइए। तहसील बहसी क्षेत्र के अंतर्गत जनपद बहराइच में ग्राम भदवानी में बड़कन्ने उर्फ साबिर के खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। इसमें एक पत्थर की मूर्ति कलाकृति है, जो देखने से कलाकृति लगती है, प्राचीन काल की लगती है, उसको हम लोग आए हैं, इस शताब्दी मौजूद हैं, उसको अपनी अभिरक्षा में ले करके उसको हम अपने कोषागार में रखाएँगे और पुरातत्व विभाग को हम पत्र लिखेंगे, वो आकर के इसका परीक्षण करेंगे कि ये किस समय की मूर्ति है और इसका क्या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में क्या इसका उपयोग है, कितनी पुरानी है, पुरातत्व के विषय में इसकी क्या उपयोगिता है, ये बाद में परीक्षण कराएंगे। धन्यवाद। आज सुबह मिट्टी की खुदाई। मध्य प्रदेश के हाथरस जिले में पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में दो शातिर आरोपियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विगत दिनों गोवंशों की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है और मुखबिर की सूचना पर घूम रहे शातिर घोषकों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 9 जून की भोर में थाना चंदपा पुलिस, हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में शातिर गौ तस्कर दो गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इन दो घायल गौ तस्करों के अतिरिक्त इनके दो अन्य साथी भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किए गए हैं, जो गोकशी की फिराक में थे। इन चारों अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा गोकशी के जो उपकरण होते हैं, गड़ासा, चाकू, रस्सा इत्यादि, इनके कब्जे से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल सीवी डीलक्स बिना नंबर की इनके कब्जे से बरामद हुई है। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके थाना चंदपा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको अवगत करा दें, दिनांक 2 जून की सुबह थाना चंदपा क्षेत्र के ग्राम दरकई में बम्बे पे तीन गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना चंदपा थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में ग्राम प्रधान की लिखित तहरीर के आधार पर
थाना चंदपा पर गोवध निवारण अधिनियम की संगीन धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मेरे द्वारा इसके शीघ्र निवारण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के बाद इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिसमें इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और जो मैंने आपको बताया इसमें बरामदगी की गई है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें जो इनको गिरफ्तार करने वाली हमारी पुलिस टीम है, इनको मेरे द्वारा 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। ये सप्लाई कहाँ करते हैं? देखिए, अभी इनसे पूछताछ में कई बातें संज्ञान में आई हैं। ये चारों जो इसमें गोतस्कर गिरफ्तार हुए हैं, ये जनपद हाथरस के रहने वाले नहीं हैं, ये जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इसमें थाना क्षेत्र चंदौस व थाना क्षेत्र गभाना के ये रहने वाले हैं चारों। इनमें पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है, गौतस्करी व अन्य मामलों में ये कई बार जनपद अलीगढ़ से जेल जा चुके हैं। इनका मास्टरमाइंड वसीम है, जो कुछ दिन पूर्व आके थाना चंदपा क्षेत्र में ही रह रहा था। और जैसा कि पूछताछ में इन्होंने बताया कि जब गौतस्करी के बाद ये जो मांस है वो उसको सीधा इनमें से एक अभियुक्त दिल्ली ले जाता था और वहाँ पुरानी दिल्ली के एक मार्केट में बेच देता था। इस संबंध में इनसे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ये आज दिनांक 9 जून। झारखंड के साहिबगंज में जेएमएम के विधायक लोबिन हेब्रम ने बोरियो विधानसभा में बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए गांव में लगाए गए 200 केवी के नए बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना और क्षेत्र का विकास करना ही मेरा काम है। इस दौरान झामुमो के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहजहां अंसारी, मोहम्मद समीम सहित कई झामुमो के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पर गांव के लोग गए थे मेरे पास और उन लोगों का समस्या था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला पड़ा हुआ था, गांव को बिजली नहीं मिल रही थी। तो ये लोग गया, जाने के बाद आपको बताया, हमने विभाग से बात किया, एक्जीक्यूटिव से बात किया और थोड़ा दिन दूर दूर के अंदर में ट्रांसफार्मर आ गया। आज इसका मतलब विधिवत उद्घाटन भी हुआ और खास करके इसी उपलक्ष्य में लोगों ने हमको आमंत्रित किया था और बहुत अच्छा वेलकम भी हुआ और बहुत जो प्राप्त लोगों ने सुनाया। जैसे अभी ये सड़क है, ये सड़क का भी आज हमने घोषणा कर दिया, इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी बनाएंगे और खास करके मेन था कि आज लोगों से मिलना और साथ साथ ये ट्रांसफार्मर को पर गाँव के लोग गए थे मेरे पास और उन लोगों का समस्या था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर कई दिनों से जला पड़ा हुआ था, गाँव को बिजली नहीं मिल रही थी। तो ये लोग गया, जाने के बाद आपको बताया, हमने विभाग से बात किया, एक्जीक्यूटिव से बात किया और थोड़ा दिन दूर दूर के अंदर में ट्रांसफार्मर आ गया। आज इसका मतलब विधिवत उद्घाटन भी हुआ और खास करके इसी उपलक्ष्य में लोगों ने हमको आमंत्रित किया था और बहुत अच्छा वेलकम भी हुआ और बहुत जो प्राप्त लोगों ने सुनाया। जैसे अभी ये सड़क है, ये सड़क का भी आज हमने घोषणा कर दिया, इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी बनाएंगे और खास करके मेन था कि आज लोगों से मिलना और साथ साथ ये ट्रांसफार्मर को पर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शहर के एक प्राइवेट डॉक्टर के बंद पड़े क्लिनिक में चल रही अय्याशी का मामला सामने आया है। इस दौरान मोहल्ले के लोगों द्वारा क्लिनिक पर छापेमारी कर एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। इसके साथ ही मौके से एक लैपटॉप, कई कैमरा और मोबाइल भी बरामद होने की बात कही जा रही है। इसी बीच लोगों द्वारा की गई कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा प्रॉब्लम? देखिए, क्लिनिक में एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए थे और वो बंद क्लिनिक था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है थाना कोतवाली पर और वैधानिक कार्रवाई कर आपत्तिजनक उसमें भी प्राप्त। देखिए, जो कुछ भी है वो मुकदमा पुलिस तरफ से पंजीकृत किया जाएगा और उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। क्या है पूरा प्रॉब्लम? देखिए, क्लिनिक में एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए थे और वो बंद क्लिनिक था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है थाना कोतवाली पर और वैधानिक कार्रवाई कर आपत्तिजनक उसमें भी प्राप्त। देखिए, जो कुछ भी है वो मुकदमा पुलिस तरफ से पंजीकृत किया जाएगा और उसमें पुलिस ने उसमें गिरफ्तारी भी की है। क्या है पूरा प्रॉब्लम? देखिए, क्लिनिक में एक लड़का और एक लड़की
पकड़े गए थे और वो मन क्लीनिक था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है थाना कोतवाली पर और वैधानिक कार्रवाई। आपत्तिजनक उसने भी प्राप्त की, देखिए जो कुछ भी है वो मुकदमा पुलिस तरफ से पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने उसमें गिरफ्तारी भी की है। क्या है पूरा मामला? देखिए क्लिनिक में एक लड़का और एक लड़की। आज के लिए खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।